हे गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज का हमारा शॉर्ट वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हीटोट्रॉप्स। तो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर वन ऑफ ऑटोट्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। इनसे जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सके उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। वहीं हीटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर सर्वाइवल। हीटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उनको या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड रहना पड़ता है ऑन ऑटोट्रॉप्स। ओके, पॉइंट नंबर टू, ऑटोट्रॉप्स स्टैंड एट द प्राइमरी लेवल एट द फूड इन द फूड चेन। अब देखिए, फूड चेन के प्राइमरी लेवल पर कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑटोट्रॉप्स स्टैंड कहाँ करते हैं? प्राइमरी लेवल पर स्टैंड करते हैं फूड चेन के अंदर। वहीं हीटोट्रॉप्स स्टैंड एट सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल इन द फूड चेन। अब हीटोट्रॉप्स कंज्यूमर होते हैं, वो प्रोड्यूसर नहीं होते। प्रोड्यूसर तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं इसलिए अपने सर्वाइवल के लिए, इसलिए उनको हम क्या बुलाते हैं? कंज्यूमर्स बुलाते हैं, और इसलिए वो स्टैंड करते हैं सेकेंडरी या फिर टर्शरी लेवल पर। पॉइंट नंबर थ्री, नोन एज प्रोड्यूसर्स एज दे कैन प्रोड्यूसर ओन फूड। एज आई सेड, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वहीं हीटोट्रॉप्स एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम आउटसाइड सोर्स एंड हेंस कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। हीटोट्रॉप्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड सोर्स लाइक ऑटोट्रॉप्स, एंड इसीलिए उनको कंज्यूमर्स बुलाया जाता है। पॉइंट नंबर फोर, ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया। वहीं हीटोट्रॉप के एग्जांपल हो सकते हैं एनिमल, कुछ प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, और फंगस एंड बैक्टीरिया। पॉइंट नंबर फिफ्थ, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। अब देखिए, ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाता है। ऑटोट्रॉप्स में मेनली क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये खाना कैसे बना सकते हैं? ये सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनकी मदद से खाना बनाते हैं। अब क्लोरोफिल कब एक्ट करता है? क्लोरोफिल किस क्या ट्रैप करता है? वो सनलाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, और तभी वो खाना बना पाते हैं। तो इसलिए इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हीटोट्रॉप्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है क्लोरोफिल की, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है इन हीटोट्रॉप्स एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है इन ऑटोट्रॉप्स। पॉइंट नंबर सिक्स सेज, रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। ऑटोट्रॉप्स के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है। हीटोट्रॉप्स को रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑटोट्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, पॉइंट नंबर सेवन, डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर। इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता है। वहीं डाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड टू सिंपलर सॉल्यूबल फॉर्म्स। हीटोट्रॉप्स के अंदर डाइजेशन की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि उनके उनको कन्वर्ट करना होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनटू सिंपलर एंड सॉल्यूबल फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, पॉइंट नंबर एट, फूड इज जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे टाइम। अब देखिए, डे टाइम में ऑटोट्रॉप्स फूड क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि दे नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड, और सनलाइट डे टाइम में ही प्रेजेंट होती है, इसलिए फूड को जनरली डे टाइम में प्रिपेयर किया जाता है। वहीं हीटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, इनको अपना खाना खुद नहीं बनाना होता, इनको तो बस डिपेंड रहना पड़ता है उन ऑटोट्रॉप्स के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने के लिए। तो इसलिए ये कभी भी फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी वक्त। पॉइंट नंबर नाइन, दीज कैन बी क्लासिफाइड एज फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोटोट्रॉप्स। अब देखिए, ऑटोट्रॉप्स भी दो प्रकार के होते हैं, जो सनलाइट की मदद से बनाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, और जो केमिकल की मदद से अपना खाना प्रोड्यूस करेंगे उनको हम बोलेंगे कीमोटोट्रॉप्स। वहीं हीटोट्रॉप्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, फोटो हीटोट्रॉप्स एंड कीमो हीटोट्रॉप्स। पॉइंट नंबर टेन एंड द लास्ट पॉइंट विच सेज, ऑटोट्रॉप कैन स्टोर लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब देखिए, इनको स्टोर करके रखनी पड़ती है लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी, बिकॉज ये लाइट से और केमिकल से दोनों से ही अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। वहीं हीटोट्रॉप्स कैन नॉट स्टोर एनर्जी। हीटोट्रॉप्स नहीं करते एनर्जी को स्टोर। ठीक है, तो यही हमारे सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हीटोट्रॉप्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको सारे डिफरेंसेस समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, और या अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। ओके, बाय बाय।